दोस्तों हेल्थ हमारी प्रकृति की दी हुई हमारे लिए एक अनमोल धरोहर है, जिसका महत्व तो हमारे लिए उसके खो जाने के बाद मालूम पड़ता है। लेकिन दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो जाने के बाद वापस आ जाती हैं। जैसे हम पैसा कमाते हैं, पैसा जाएगा और आएगा। दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे संबंध हमारे बिगड़ते हैं, फिर से बनते हैं। लेकिन अगर एक बार स्वास्थ्य, एक बार हमारा शरीर किसी बीमारी की चपेट में आ जाए तो दोस्तों फिर वो रौनक, वो रंगत वापस आनी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे में ही दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं आंवला और दूध से रिलेटेड। तो इस वीडियो में दोस्तों दोनों चीजों को कवर करके लेके चलेंगे और पूरी तरीके से इसका खंडन, पूरी तरीके से इसका खुलासा करेंगे कि दोस्तों दूध और आंवला को एक साथ लेना चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों एक चीज और मैं बता दूं, दोस्तों अगर आप अपनी हेल्थ से रिलेटेड, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं तथा आप अपनी बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से फिट तथा मेंटेन करना चाहते हैं तो मेरे एक दूसरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों उसका नाम है बी हेल्दी तथा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो के लिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आंवला के कुछ बेनिफिट्स के बारे में। क्या है दोस्तों इसके बेनिफिट? दोस्तों सबसे पहले मैं आपके लिए बता दूं, आंवला का जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो होता है दोस्तों ये हमारी स्किन को चमकदार बनाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में विटामिन सी होता है। दोस्तों इसे इम्यूनिटी बूस्टर भी बोला जाता है। इसके लगातार सेवन से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बहुत मजबूत होती है। जिन भाइयों की यौन शक्ति कमजोर है, जिन्होंने अत्यधिक अपनी ब्रह्मचर्या का नाश किया है तथा वीर्य नाश किया है दोस्तों, वो भाई अगर इसका सेवन लंबे समय तक करते हैं तो इससे उनकी रिकवरी बहुत तेजी से होती है और उनकी बॉडी के अंदर गजब के पॉजिटिव सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। दूध और आंवला को एक साथ लेना चाहिए या नहीं, तो इस टॉपिक पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, फिजिकली रूप से मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, आप भी कर सकते हैं। एक कटोरी में दूध लेकर उसमें एक चम्मच जब आंवला पिसा हुआ आप डालेंगे तो आप थोड़ी देर में पाएंगे कि वो दूध फट चुका है। जैसा कि दोस्तों एक लीटर दूध में या फिर एक गिलास दूध में आप दो से तीन बूंदें जब नींबू की डालेंगे तो उससे भी दूध फट जाता है। इसीलिए हेल्थ एक्सपर्ट बताते हैं कि हमारे लिए नींबू के साथ दूध नहीं लेना चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों जो चीज फिजिकली रूप से फट सकती है वो इंटरनली रूप से भी फट सकती है। पिछली बार जो मैंने आपके लिए एडवाइस दी थी दोस्तों, वो मैंने बताया था कि आप दूध और आंवले को थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा गैप देकर उसका सेवन करें। जैसे कि अगर आप खाना खाए हुए हैं तो खाना खाने के एक घंटे बाद आंवला का सेवन करें, अगर आपने खाना नहीं खाया तो एक घंटा पहले इसका सेवन करें। और दोस्तों अब मैं आपके लिए बता दूं जो सबसे ज्यादा बेनिफिटेबल प्रोसेस है आंवला का, जो सबसे अच्छा रिजल्ट देगा वो ये है दोस्तों कि आप खाली पेट आंवले को गुनगुने के पानी के साथ में लें, जिससे आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी आपकी बूस्ट होगी तथा आपके चेहरे पर ग्लो आनी शुरू होगी। बात आती है दोस्तों दूध की, तो एक साथ इसको ना लें क्योंकि हर व्यक्ति के लिए सूट नहीं होता है। जैसा कि मैं बता चुका हूं दोस्तों फिजिकली रूप से ये फट जाता है और हमारी बॉडी के अंदर जब हम इसको एक साथ लेंगे तो भी दोस्तों ये अंदर जाकर फट जाएगा और ऐसे में हमारे लिए वॉमिट की प्रॉब्लम है, पेट के अंदर दर्द की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में दोस्तों जरूरी है कि हम इसको दूध के साथ में ऐड ना करें। इसके प्रोसेस का बहुत अच्छे तरीके से बेनिफिट लेना चाहते हैं, आंवले का सेवन करने के बाद आधे घंटे बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं। एक गिलास दूध आप ले सकते हैं, वो भी गाय का दूध, जिससे कि दोस्तों उसके अंदर फैट कम होता है और आपकी बॉडी के लिए जो मेहनत, जो एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी होगी वो नहीं लगेगी और आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से वो डाइजेस्ट हो जाएगा और आपके लिए वो बेनिफिट भी आपको मिलने शुरू होंगे, जिससे आपकी जो रिकवरी है, जो आपकी खोई हुई शक्ति है वो बहुत तेजी से वापस आएगी। कि दोस्तों YouTube पर बहुत सारी वीडियोस हैं और डिफरेंट डिफरेंट तरीके की नॉलेज है, उनमें से दोस्तों आपको कौन सी अच्छी लगी है? जैसा कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, हो सकता है कि उनका अपना अलग एक्सपीरियंस हो। जैसा कि दोस्तों मैं आपके लिए बता रहा हूं कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैंने भी एक महीने इसका सेवन किया है। ये वीडियो अगर आपके लिए अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत ही जल्दी आपके लिए एक नई वीडियो के साथ में, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक जय श्री राम।